फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ। टाइम हो गया है 9:30, ब्रेकफास्ट बहुत लेट हो गया आज मेरा। तो मैं बनाऊंगी आज आलू और मटर के परांठे। तो आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, मटर को भी हल्का सा बॉईल कर लिया है। अब इसको मैं कर दूंगी थोड़ा सा मिक्स, ही दरदरा पीस लूंगी। तो आलू मटर के परांठे बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें मतलब एक चम्मच जितना ऑयल डाल लिया है, क्योंकि ना मटर में थोड़ा सा पानी होता ही है, जितना मर्जी इसको निकाल लो होता ही है। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा ना इसका पानी भी सूख जाएगा और मसाले भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले तेल को मैं रिफाइंड को गर्म होने रख दूंगी। आज मेरे पास मटर की क्वांटिटी बहुत कम है, क्योंकि मेरी सारी सब्जियां वगैरह ना सब खत्म हो चुकी हैं। तो मुझे ये था कि मुझे आज लेने जाना है, मैं कहा जो थोड़ा सा रखा हुआ है थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा, कोई बात नहीं डिफरेंट सा। तो मैंने इसीलिए इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं शाही जीरा, वो बहुत अच्छा लगता है। और इसमें डाल दूंगी अपनी मटर की स्टफिंग। थोड़ा सा इससे पानी जो भी होगा ना एक्स्ट्रा वो सूख जाएगा। और इसी में मैं डाल दूंगी अपने पोटैटो मैश किए हुए। मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसमें आप चाहें तो बारीक काट के ना हरी मिर्च जो होती है ना वो भी डाल सकते हैं, जिंजर मतलब अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरे पास में अभी आज नहीं है। थोड़ा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी, आप इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, अनारदाना की जगह पे आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और अजवाइन हाथों में हथेली पे ना इस तरीके से क्रश करके डालूंगी मैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। इसमें डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दूंगी। पूरी स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी। उसके बाद में इसके हम बनाऊंगी मैं परांठे। और तब तक अभी मेरी मेड जो है वो काम करके चली गई है, तो मैं बर्तन वगैरह लगा लूंगी, थोड़ा सा ना सेल्फ को थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी, किचन टॉप को थोड़ा सा ना, तभी किचन में थोड़ा सा काम हो पाएगा। बस मेरी स्टफिंग वगैरह सब कुछ आपको मैंने बताया रेडी हो चुकी है। आलू मटर की स्टफिंग है जो ठंडी भी हो चुकी है। मैं परांठियां बनाऊंगी आज ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मेरे पास ना ऑलमोस्ट सारा मतलब स्टॉक वेजिटेबल्स का सब कुछ खत्म हो गया था। तो मेरे पास थोड़े से ही मटर रखे हुए थे, आलू रखे हुए थे। तो मैंने आज अभी मैंने कहा ब्रेकफास्ट का काम तो इसी से चला लेते हैं, आफ्टरनून में देखूंगी मैं क्या बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं एक पेड़ा ले लूंगी, ये चपाती से थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लूंगी, और इसको इस तरीके से डस्ट मतलब सूखे आटे में अच्छे से कोट कर लूंगी। और उसके बाद एक थंब की हेल्प से इस पर प्रेस करके एक कटोरी टाइप में बना लूंगी। स्टफ परांठे इस तरीके से बनाती हूँ ना तो कभी भी मेरे फटते नहीं है। बेस थोड़ा हैवी रख दो, मोटा इस तरीके से करो, कभी भी नहीं फटते। और इसमें भर दूंगी अपनी स्टफिंग, काफी अच्छे से भरूंगी स्टफिंग। स्टफ परांठे में स्टफिंग अच्छी से ना भरी हो तो मजा ही नहीं आता। तो सबसे मैंने ये सोचा सबसे पहले ना मॉर्निंग में बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दूंगी ना, उसके बाद में बस फिर तो मेरी टेंशन खत्म है। मतलब हैवी ब्रेकफास्ट दे दो तो वैसे भी थोड़ा सा होता है ना कि 1:30 बजे तक मैं अपना और भी काम कुछ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से इसको लॉक कर दूंगी और इसको जितना हो सकता है हाथ से पहले मैं इसको बढ़ा लूंगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बिल गया है मेरा। इधर तवा भी गर्म हो गया, मैंने साथ में रख दिया है चाय, क्योंकि इसके साथ में चाय अच्छी लगेगी। मेरे पास मतलब आज ना कोई इस तरीके की सब्जी भी नहीं है जो परौठे के साथ मैं बच्चों को दे सकूं,
मैंने इसीलिए सोचा चाय के साथ ही दे देती हूँ। तो बस तवा मेरा गरम हो चुका है, हल्के हाथ से इसको मैं स्टोव परांठे में बस यही होता है कि सूखा आटा ज्यादा लगता है, हल्के हल्का करूंगी। इधर मैंने गैस पे तवा भी मैंने गरम होने रख दिया, यहाँ मैंने रख दिया चाय बनने के लिए बेटे के लिए, क्योंकि मैं चाय नहीं लूंगी और हस्बैंड अभी है नहीं, यहाँ पर गए हुए हैं, वो भी थोड़ी देर में आएंगे, उनका ब्रेकफास्ट तभी बनाऊंगी। यहाँ तवा भी मेरा गरम हो गया है, अब मैं इस पे डाल दूंगी अपने पराठा, सेक लूंगी जल्दी से, बच्चों को पहले ब्रेकफास्ट दे दूं उसके बाद में बाकी के काम करूंगी। यहाँ तवा भी मेरा गरम हो गया है, अब मैं इस पे डाल दूंगी अपने पराठा, सेक लूंगी जल्दी से, बच्चों को पहले ब्रेकफास्ट दे दूं उसके बाद में बाकी के काम करूंगी। बस एक साइड से सेक गया होगा, थोड़ा सा हल्का सा सेकना है और इसको पलटूंगी मैं। अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी घी, देसी घी, परांठे देसी घी में ही अच्छे लगते हैं हमें तो। अच्छे से इसमें देसी घी लगाऊंगी, एक साइड सेकने दूंगी, फिर अब मैं इसको इस साइड से ऐसे पलट के इस साइड भी मैं घी से सेक लूंगी अच्छे से, दोनों साइड से अच्छा करारा सेकूंगी। चाय भी मेरी रेडी हो चुकी है, अच्छे से सीख गया ये देखो फ्रेंड्स। अब मैं इसको निकाल लूंगी और साथ में दूंगी चाय। तो फ्रेंड मुझे भी ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा क्योंकि बेटे ने बोला मुझे लास्ट में कि मम्मा मुझे हाफ ही चाहिए, तो हाफ मेरा बच गया था, तो मैंने सोचा कि मैं ही कर लेती हूँ थोड़ा सा, आधा ब्रेकफास्ट अभी कर लेती हूँ, आधा मैं हस्बैंड के साथ करूंगी। वाकई में बहुत यम्मी बना, इसको अचार के साथ में या दही के साथ खाना बहुत टेस्टी लगता है। मैं तो अचार और दही खाऊंगी नहीं क्योंकि रात को से ना मुझे सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, मैंने कल दही भले खा लिए थे, दही खाई ना कल, तो रात में मुझे बस बहुत परेशानी हुई सांस लेने में भी। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया, आधा ब्रेकफास्ट तो मेरा हो ही गया, आधा मैं करूंगी हस्बैंड के साथ में। और गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरी आ रही है एनिवर्सरी, अभी मैंने कोई प्लान नहीं करी है कि मैं कहाँ जाऊंगी कैसे करूंगी, मैंने अभी कुछ भी प्लान नहीं करा है क्योंकि मैं जब भी पहले प्लान करती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। और जैसे जैसे एनिवर्सरी की डेट पास में आ रही ना, तो मुझे मतलब मेरी हार्ट बीटिंग ना थोड़ी सी बढ़ रही है। लास्ट ईयर की जो मतलब मैं एनिवर्सरी का कहूँ डे, आप भी जैसे पास में आ रहा है मैं भूल नहीं पा रही हूँ उस चीज को, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी एनिवर्सरी वाले दिन ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था और वो इतना भयानक एक्सीडेंट था, इतना भयानक एक्सीडेंट था कि मैं बस सोचती भी हूँ ना तो सच में बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा हम मतलब दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने बहुत प्लान बनाया हुआ था, हम ऐसे करेंगे ऐसे एनिवर्सरी मनाएंगे ऐसे करेंगे, लेकिन रात में ही मतलब एनिवर्सरी से एक रात पहले ही, मतलब मेरी एनिवर्सरी होती है 14th की सकरात वाले दिन, लोहड़ी वाले दिन 13 जनवरी को हमारा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, वो सोच के भी एकदम डर जाती हूँ। तो मैंने वही कहा, मैं कहा मैं जब भी सोचती हूँ ना कुछ कि मैं ऐसे एनिवर्सरी में ये करेंगे हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ लास्ट टाइम पे हो जाता है। इस बार अभी तक हमने कोई प्लान नहीं करा, इसीलिए हस्बैंड ने कहा सडनली देखेंगे जहां भी जाना होगा, अभी कुछ भी प्लानिंग नहीं करेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं, जैसे भी होगा उसी टाइम ही
और आपको बताऊं तो मेरी ड्रेस तो आ चुकी है जो मैंने पहननी है एनिवर्सरी पे, मुझे हस्बैंड ने गिफ्ट दे दी है पहले ही, बहुत अच्छी ड्रेस है वो, मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, जब मैं पहनूंगी तब शेयर करूंगी। और बस एनिवर्सरी का आप व्लॉग जरूर देखना अगर मैंने सेलिब्रेट करी तो, बहुत सारे क्योंकि कई बार होता है ना पहले से सोच के रखो तो कई बार होता है कि मतलब मुझे लगता है ये बात मैं कहती हूँ हस्बैंड को, हमें नजर बहुत जल्दी लग जाती है, जब भी मैं सोच के रखती हूँ कि मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी ये चीज, और बाई चांस कभी क्या होता है कि लास्ट से लास्ट ईयर एनिवर्सरी वाली नहीं हस्बैंड और मेरा झगड़ा हो गया था और काफी ज्यादा हुआ था, तो वही हम ये सोचते थे 2-3 साल से हमारे अच्छा नहीं जा रहा एनिवर्सरी का डे, तो इस बार हम कुछ भी प्लान बनाएंगे सडनली करेंगे, बिल्कुल पहले से कुछ भी तैयारी नहीं कर रखेंगे अपने आप को, जो भी होगा कहीं जाने का होगा या कुछ भी होगा तो वो सब अचानक ही करेंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं। बस तो आ जाती हूँ मैं अपने रूटीन में, और ये है मैंने आपको ये नहीं दिखाई ना ड्रेस, काफी मतलब मेरी पुरानी है ये ड्रेस, मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक, बहुत अच्छा है ये गाइस का ना कुर्ती जैसा लुक है, काफी अच्छा लगता है मुझे ये, काफी अच्छी जो है यहाँ पे वेलवेट नहीं लेदर है, ये साइड पे लेदर दिया हुआ है, ये जिपर दिए हुए हैं इस टाइप में, जिपर में ऐसा कुछ डिजाइन दिए हुए हैं जिपर का, बहुत अच्छी गरम काफी अच्छी है, बैक पे जिप दिया हुआ है, इसको इस तरीके से मैं जीन्स के साथ भी वेयर कर लेती हूँ या फिर लेगिंग के साथ में, घर पे तो लेगिंग के साथ वेयर करती हूँ, काफी अच्छी लगती है, फिटिंग बहुत अच्छी आई है मुझे इसकी, तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये ना, थोड़ी काफी कंफर्टेबल भी लगती है, घर पे सारा काम कर लेती हूँ, वार्म भी बहुत अच्छी से, इस तरीके से बस मार्केट भी छोटा सा सामान लेने गई थी लेकिन फिर भी काफी सारा सामान ले आई हूँ, मैं सिर्फ लेने गई थी हस्बैंड की इनर वियर जो गर्म है ना वो लेने गई थी, तो वो कह रहे थे मुझे थोड़ा सा टांगों में ना दर्द होती है, मतलब मुझे नीचे पजामी और मार्मर एक चाहिए तो वो लेके आते हैं, हम वो लेने गए थे बस उसके एक वही लेने के चक्कर में हम कितनी सारी शॉपिंग कराए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, आज हस्बैंड ने मेरे को बहुत सारी शॉपिंग करवाई वो भी मैंने कहा अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ, तो मैंने लिया है एक स्टॉकिंग, गरम स्टॉकिंग लिए ही, ये कई बार ना दोनों मैं भी और बेटी दोनों ही पहन लेते हैं, वार्म अच्छी स्टॉकिंग है ड्रेसेस के नीचे पहनने के लिए, बेटी ने उस दिन कहा मामा मेरी ना खराब हो रही है, तो मेरे भी दिमाग में आया जब मैं उसकी शॉप पे गई थी मैं कहा एक ले लेती हूँ, तो ये स्टॉकिंग लेकर आई हूँ, काफी अच्छी क्वालिटी बता रहे थे वो, तो इसमें मैंने काफी देखा था लेकिन मुझे कलर स्किन कलर ही मांग रही थी, उसमें हर जगह देखती डार्क थोड़ा सा मतलब होता ना बीच कलर वो मिल रहा था, ये थोड़ा सा अच्छा कलर मिला मुझे, ये लेकर आई हूँ, और ये मिली है मुझे 450 की, बहुत अच्छी क्वालिटी भी अच्छी लगी मुझे इसकी, और लाई हूं एक ये लैक्मे का काजल, मेरे मैंने अभी बल्कि लिया था लास्ट, पता नहीं वो कहां मेरा गिर गया है क्या है मुझे मेरे पास बिल्कुल नहीं था 2-3 दिन से ना, तो एक मैंने ये लिया है काजल, और मैंने ली है सॉक्स, ये सॉक्स बड़ी सुंदर लग रही थी मुझे, बहुत अच्छी थी, देखिए अंदर ना फर वाला कपड़ा फैदर वाला वो वाला कपड़ा लगा हुआ था, काफी अच्छी है, काफी अच्छी लग रही थी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसमें एक प्लेन ले आई हूँ एक इस तरीके से थंब वाली लेकर आई हूँ क्योंकि प्लेन थी नहीं उसके पास में, तो दो लेके आई हूँ मैं, दो पेयर लेके आई हूँ इस तरीके से, मैंने कहा मतलब कभी बेटी पहन लेती है कभी मैं हम मिलके पहन ही लेते हैं, तो मैं कहा मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लग रही थी, थोड़ी सी अच्छी लग रही थी गर्म वार्म भी, तो मैं कहा ये ले लेते हैं, बहुत अच्छी उसने हमें बताई थी 100 रुपीज ईच, और हमने लिए 150 के दोनों पेयर, मतलब 75 पेयर पड़ा है मुझे, काफी अच्छी चीज है क्वालिटी भी अच्छी है, तो दो ये लेकर आई हूँ, और हाँ और ये भी लेकर आई हूँ एक स्टॉल, गरम स्टॉल है बहुत अच्छा लगा था पतला बिल्कुल, मुझे ना कई बार होता है स्कूटी पे जाना होता है ना तो उसके लिए चाहिए था मुझे, मेरे पास सारे अभी तक मोटे मोटे थे तो मुझे होता था कई बार, काफी अच्छा लग रहा था मुझे, काफी सुंदर भी लगा था ये, इसमें मुझे अच्छा यही कलर भी डिजाइन भी यही अच्छा लगा, एक ब्लैक में था वो मुझे इतना खास ही लग रहा था मुझे यही थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, और ये पड़ा है मुझे 200 रुपीज का, क्वालिटी बहुत अच्छी है मुझे क्वालिटी बहुत पसंद आई थी, लाइट वेट है और गर्म भी है, मैंने यूज भी किया है मैंने क्योंकि मैं स्कूटी पे ही गई थी, तो वापसी में आते हुए मुझे थोड़ा सा ठंड सी लग रही, मौसम थोड़ा सा ऐसा हो गया था ना, तो फिर मैंने इसको ओढ़ के मैं लेकर भी आई हूँ अभी, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, और मैंने क्या लिया है और लिया है मैंने बहुत सारे फुटवेयर,
बहुत सारे के मतलब 3-4 जो पेयर ले लिए हैं अभी मैंने, बल्कि लिए थे लॉन्ग में भी लाई हूँ मैं अभी रिसेंटली, वो मैंने शायद आपके साथ शेयर नहीं करे हैं। एक लाइन ये वाला फुटवेयर इस तरीके से व्हाइट में हमारे पास ना, मैं और बेटी हम दोनों मिलके पहन लेते हैं। व्हाइट में हम काफी दिनों से सर्च कर रहे कि व्हाइट में किसी तरीके से मिले अच्छा सा, तो हमें ये अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी थी। और ये हमें सेल में मिल गया है, ये सेल में मिला है हमें 250 रुपीज का, बहुत अच्छी क्वालिटी अच्छी लगी मुझे, तो मुझे इसीलिए मैंने ले लिया। मेरे को था कि आज मतलब एकदम आया कि हाँ लेना तो है ही, तो ले ही लेते हैं, आज अच्छा लग रहा है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। तो एक पेयर मैं ये लेके आई हूँ और एक इस टाइप में बैली लेकर आई हूँ सिंपली, ये मेरी पहले वाली खराब हो रही थी तो मैंने कहा एक ये भी ले लेती हूँ। इस टाइप में ये ना बकल सा बना हुआ जिगजैग लगे हुए हैं, तो इस तरीके से ये वाला मैंने एक ले लिया, मैंने मुझे अच्छा लग रहा था। ये भी वेलक्रो लगी हुई है इसमें, आप इसको मतलब कर सकते हैं वेलक्रो से, और ये इस टाइप में थी, अच्छा लग रहा था। ये भी वही सेल में लगी हुई थी, सेल में से ही मैं लाई हूँ। ये भी मुझे 200 रुपीज, कई बार हो जाते ना सेल में चीजें अच्छी, फिर मैंने कहा हमें तो बदल बदल के पहननी होती, कोई नहीं दो तीन अलग हो जाएंगी कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा साइज मुझे तो बड़ा लग रहा था, बट बेटी को परफेक्ट आया, मतलब उसका थोड़ा सा पैर मेरे से थोड़ा सा बड़ा है ना, तो एक ये लेके आई हूँ सिंपल सी ये भी, और ये भी 200 रुपीज। तो बस यही थोड़ा सा मेरे को था आज, बस हस्बैंड का मूड था थोड़ा सा कि शॉपिंग कर लो जो लेना है तुमने, और लेने तो मैं वैसे मैंने मेरा तो लेना था एक पर्स, पर्स मुझे कोई समझ ही नहीं आया, पर्स के चक्कर में हम लोग इधर उधर देख रहे थे तो उसके चक्कर में ये सारी शॉपिंग हो गई। हस्बैंड ने कहा चलो कोई बात नहीं, तो उनको भी लगा कि जब जरूरत की चीज है तभी ले रहे हो, कोई ऐसा तो है नहीं। और वैसे भी होता है कि जेंट्स लोग तो एक या दो पेयर से भी अपना काम चला लेते हैं, लेडीज को होता है, उन्हीं को होता है कि हमारे पास हर तरीके का कलर के भाई स्लीपर्स भी होने चाहिए, अब बूट्स होने चाहिए, तो इसीलिए बस यही थोड़ा सा तो शॉपिंग करी। और मेरे भी एकदम हुआ, मैंने कहा यार मैं, मेरे तो बिल्कुल माइंड से ही स्लिप हो गया कि यार मैंने वीडियो मैं शूट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं वीडियो का एंड भी कर लूंगी और आपको अपनी शॉपिंग भी दिखा दूंगी कि किस तरह की मैंने शॉपिंग करी है, क्योंकि अब टाइम काफी लेट हो गया, मैं आके थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, मैं थक गई थी क्योंकि मैंने सुबह पहले ब्रेकफास्ट के बाद में थोड़ा किचन का काम करा, फिर माली से सारा काम करवाया, फिर मैंने सारे प्लांट्स अच्छी तरह धोए, क्लीनिंग करी, उनके पत्ते वगैरह काफी ना मैंने काफी टाइम से उनको पानी थोड़ा थोड़ा करके दे रहे थे ना, आज मैंने क्लीन करे, उसके बाद में कपड़े भी धोए, फिर मार्केट चले गई, इतना ज्यादा टायर्ड हो गई थी कि बिल्कुल आके मतलब तो सोई गई थी, बिल्कुल पड़ गई थी। उसके बाद अब मैंने सामान देखा ना, मैंने फिर उसके बाद मैंने कहा ओ मेरे को फिर दिमाग में आया यार कैमरा वगैरह सारा ट्राइपॉड ही रखा हुआ है इसका, तो मैं शूट कर रही थी, फिर मेरे दिमाग में मैंने कहा नहीं यार कि मैं पहले वीडियो का एंड कर लेती हूँ, तो मैंने कहा एंड इसमें तो आपको भी दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ। तो बस गाइज यही थी मेरी आज की शॉपिंग जो मैंने आपके साथ शेयर करी, और सुबह जो मेरा ब्रेकफास्ट था वाकई में इतना यम्मी ब्रेकफास्ट था गाइज, मतलब ये लगा लो सुबह मैं हमने ब्रेकफास्ट किया था 10:30 के अराउंड में, और अब टाइम हो रहा है 7 o'clock, हमने कुछ भी नहीं खाया आफ्टरनून में, लंच भी नहीं, सब मतलब बच्चों ने भी बोला मम्मा हमारा पेट हैवी हो रहा है हमें कुछ नहीं खाना, मैं पूछ के गई थी अगर कुछ बना के जाना है तो बता दो, तो कहते नहीं मम्मा हमें कुछ नहीं खाना, अगर लगेगी भी भूख तो मैगी वगैरह खा लेंगे, कुछ भी नहीं। बच्चों ने भी मैंने आके पूछा है कुछ बना दूं या कुछ है, कहते नहीं मम्मा नहीं आप तो दोनों ट्यूशन गए हुए हैं, तो बस अब वो आने वाले होंगे, तो मैंने कहा झट से मैं उनके लिए कुछ बना लूं क्योंकि मॉर्निंग में उन्होंने ब्रेकफास्ट से ही कर रखा है, तो कुछ बना लूं उनके लिए, फिर मैंने कहा चलो पहले आप वीडियो का एक एंड कर लेती हूँ। तो गाइस यही थी मेरा एक छोटा सा शॉपिंग हॉल, और सच में फ्रेंड्स सच में आप जरूर वो एक बार रेसिपी आप आलू और मटर परांठे की जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बना था। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में, तब तक बाय।